यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मिशन 2019 के चलते राजनीतिक सरगर्मियां बेहद तेज होती जा रही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने भी जाते साल के साथ बीजेपी कांग्रेस को थैंक्स कर दिया है और 2019 के लिए कुछ नए चुनावी समीकरणों को इशारा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाकर संघीय मोर्चा बनाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वो खुद ही चंद्रशेखर राव से मिलने के लिए हैदराबाद जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में अपने विधायक को मंत्री नहीं बनाने पर अखिलेश यादव नाराज दिखे और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने समाजवादियों का रास्ता साफ कर दिया है। और हम कांग्रेस का भी धन्यवाद देंगे कि मध्य प्रदेश में हमारे विधायक को मंत्री नहीं बनाया। हम उनका भी धन्यवाद देते हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी धन्यवाद देते हैं, कम से कम समाजवादियों का रास्ता साफ कर दिया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि जिसने समाजवादियों को बैकवर्ड समझा उनका भी धन्यवाद। वहीं जहां देश में इस बात की चर्चा है और देश ये समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने जनता को जो सपने दिखाए थे उन तमाम सपनों पर कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। आज 4.5 साल के कार्यकाल की सच्चाई जनता के सामने है और उत्तर प्रदेश की भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाकामी जनता के सामने। अखिलेश ने कहा कि देश में महागठबंधन हो इसी के लिए प्रयास पिछले कई महीने से चल रहा है। मैं तेलंगाना के सीएम के इस प्रयास का समर्थन करता हूं। मैं उनसे मिलने के लिए स्वयं हैदराबाद जाऊंगा। राव का प्रयास है कि क्षेत्रीय दलों का एक संघीय मोर्चा बने, इसलिए मैं उनसे मिलने जाऊंगा। देश में गठबंधन हो, देश में महागठबंधन हो, किस रूप में सभी दल एक साथ आए, इसका प्रयास पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा है। मैं बधाई देता हूँ तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी को कि इस प्रयास में वो काम कर रहे हैं। मेरी उनसे बात हुई थी और 25 या 26 को मिलना था, लेकिन मैं दोबारा उनसे समय मांगूंगा और मैं खुद उनसे मिलने हैदराबाद जाऊंगा। आने वाले समय में उनका भी एक प्रयास है कि किस तरीके से रीजनल पार्टी या एक फेडरल फ्रंट बने। उनकी कोशिश है कि एक फेडरल फ्रंट देश में बने, क्योंकि प्रदेश में तमाम जो मुख्यमंत्री रहे हैं या जहां प्रदेश में कई जगह पर अलग अलग जगह सरकारें हैं और उन्होंने काम अच्छा किया है, तो आने वाले समय में मैं उनसे जरूर मिलूंगा जाकर। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगा, विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादियों को बीजेपी ने बैकवर्ड समझा और हम उन्हें इसके लिए धन्यवाद देते हैं। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश में एक बार समाजवादियों की सरकार को हटाया झूठ बोल करके उत्तर प्रदेश में, और तमाम सपने दिखाए थे और उन्होंने एक समय पर हमें समाजवादियों को न जाने क्या क्या कहा था। याद होगा उपचुनाव में क्या कहा था समाजवादियों को लेकर के, कि ये दल क्या है जो गठबंधन करने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था। मैं उसके लिए कई बार धन्यवाद दे चुका हूं और मैं उन्हें इस बात का भी धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम उन्होंने हमें बैकवर्ड समझा। हम तो अपने आप को बैकवर्ड ही नहीं समझते थे, हम तो सबको साथ लेकर के चलना चाहते थे, काम पर वोट मांग रहे थे, लेकिन जात पर और धर्म पर वोट मांगा भारतीय जनता पार्टी ने। आपको बता दें कि टीआरएस अध्यक्ष राव ने संघीय मोर्चा बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिया है और इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। राव ने कहा कि संघीय मोर्चे के लिए बातचीत जारी रहेगी। राव ने राज्य सचिवालय में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के अध्यक्ष के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से कहा था, बहुत जल्द ही हम ठोस योजना के साथ आएंगे। उन्होंने कहा था कि गैर बीजेपी गैर कांग्रेस गठबंधन के लिए मेरे प्रयास लगातार जारी रहेंगे। अपने गृह राज्य तेलंगाना में फिर से जीत हासिल करने वाले राव 2019 के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।